सॉरी बोल रहा है, जान ही रहा सीखान में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। होप आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ भी सब अच्छा है। अभी तो बहुत अच्छा है क्योंकि फाइनली मैं इंडिया पहुँच गई हूँ, और जिसका मुझे इतने दिन से इंतज़ार था, इतने मन से मैं बस वन मतलब डेज ही काउंट कर रही थी। फाइनली ये टाइम आ गया है और आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड कि मुझे क्या फीलिंग है। और बस मतलब ये जो मेरा ट्रिप है बहुत ट्रैवलिंग वाला है और बहुत शॉर्ट ट्रिप है। सो बस एक भगवान से प्रार्थना चल रही है कि ये ट्रिप में कुछ प्रॉब्लम ना हो मुझे, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग के वजह से इशू होते हैं, कभी बॉडी आपका साथ उतना नहीं दे पाती है क्योंकि अभी ट्रैवलिंग की इतनी आदत नहीं है। सो बस भगवान से वही प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। बस मैं बहुत खुश हूँ इंडिया आके, और ये ब्लॉग भी मैं दो पार्ट में शेयर की हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था। सो फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले शेयर किया है और सेकंड अभी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए और मेरा ब्लॉग इंजॉय करिए, कमेंट करिए कैसे लग रहा है। और चलिए आगे जो भी है मैंने आगे शेयर किया हुआ है वो सब आप लोग इंजॉय करिए। और ज़्यादातर मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि प्रॉपर बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा था। सो वॉइस ओवर मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था इसलिए मैंने सब रिकॉर्ड किया है, बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी ऐसा सोच के। ये हमारी रात की फ्लाइट थी 9:45 की, जस्ट अभी टेक ऑफ हो रहा है। विस्तारा एयरलाइन का मुझे मील जितने भी मील उन्होंने प्रोवाइड किया था सुपर्ब था, एक नंबर था। मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि टेस्ट वाइज ऑसम था। मुझे इतना लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा फूड वो प्रोवाइड करेंगे, पर बहुत ही टेस्टी और ऑसम था। फास्ट रहता है और एक पैक जूप करता है, मतलब पूरा सब हिल जाता है। सो वो बहुत स्कैरी था क्योंकि लास्ट टाइम का मुझे याद नहीं है, जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा फर्स्ट ट्रैवल था एयरप्लेन में। सो तभी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या है, मुझे याद ही नहीं है एक्चुअल में, तभी मैंने कुछ इतना रिकॉर्ड भी नहीं किया था। बट अभी इस बार जब मैं की और वो जब लैंड किया सो से धक 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 धक, और जब भी इतना ट्रेन में पता नहीं कभी मैं डरी नहीं हूँ, बट आवियों में थोड़ा ऐसे फील हो रहा था कि क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं सीट बीच बीच में कि कुछ ऊपर प्रॉब्लम है कि क्या है, कभी अब उतना मुझे नॉलेज नहीं है उसका, तो सीट बेल्ट बांध के रखो, फिर अभी आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसे दो तीन बार हुआ। सो एक डर लगता है कि सब अच्छे से बस लैंड करवा दो। देखिए अभी लैंडिंग हो रहा है और वो जो झुक करके जाता है ना सब हिल जाता है। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो।
बुडुंग 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 हो रहा है, देखो उधर से हो रहा है, देखो कितने सारे आवियो हैं उधर, देखो कितने सारे आवियो। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओ मैं समझ गया, और ये देखूँगा, वो बहुत ज़्यादा आवियो उधर से। कैप्चर कर लिया रे अंश, हो गया हमारा लैंडिंग। चलो आगे चलो, चलो चलो भैया, बाहर निकलने का टाइम। थैंक यू, बाय बाय। चलो आज हो रही है। हाँ काफी दूर है, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। मुंबई में नहीं देखा। ये चलो आगे वाले में चलो, सेम है। क्या हुआ? आ जाओ। आप डेटा नहीं यूज कर रहे हो ना? चलो मैं तो बस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आ जाओ। स्लोली रेयांश, रेयांश बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। फाइनली हम इंडिया पहुंच गए हैं और अभी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली से हमारा कहीं और का प्लान है, सो पहले वहां जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं और का प्लान है, फिर उसके बाद हम जाएंगे मुंबई। मतलब काफ़ी लंबा प्लान है ये। धीरे धीरे वन बाय वन सब कुछ बताते जाऊँगी कि मेरा ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले कहाँ जा रहे हैं, बाद में कहाँ पहुँच रहे हैं, और ट्रिप की जो शुरुआत है वो समझ लीजिए भगवान के आशीर्वाद के साथ में। फाइनली उन्होंने हमें बुला लिया है और हम जा रहे हैं। काफ़ी समय से ये प्लान था बट हो नहीं पा रहा था कोविड की वजह से, बट फिर अब ये पॉसिबल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। रेहान जी इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। कल वो फ्रांस में जब हम फ्लाइट ले रहे थे सो ये गिर गया था पेरिस एयरपोर्ट पर, उल्टा क्रॉस जा रहा था, मस्ती कर रहा था तो गिर गया, सो आज डर रहा था, बट अभी ठीक है, अभी उसका डर निकल गया। आई डोंट नो, काफ़ी रश दिख रहा है। देख रही हूँ, देख रही हूँ। ये हम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमने लैंडिंग की थी, वहाँ से अभी हमारा प्लान स्टार्ट होगा जो भी शेड्यूल है। अभी जा रहे हैं हम लगेज लेने के लिए और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेयांश।